फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा, फटाफट नजर डालते हैं जिले भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जनता से निर्वाचित पहले कांग्रेसी महापौर बने अजय मिश्रा बाबा, भाजपा का विजय रथ रोका। नगर निगम रीवा से 18 पार्षद भाजपा के, 16 कांग्रेस के और 11 अन्य ने दर्ज की जीत। अध्यक्ष के लिए होगी जोड़ तोड़। भाजपा प्रत्याशी प्रमोद व्यास 3 दशक से पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता, इसके बावजूद गुटबाजी का हुए शिकार। रीवा जिले में आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज में भाजपा का बिगाड़ा खेल। ओबीसी वर्ग का मतदाता आया आप प्रत्याशी के साथ नजर। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत में कांग्रेस की एकजुटता का परिणाम। लंबे समय के बाद एकजुट दिखे कांग्रेसी। रीवा नगर निगम चुनाव में पानी सड़क जैसे स्थानीय मुद्दों पर रखा केंद्र। से कांग्रेस का मुकाबला सरकार से नहीं होने दिया, जिसके चलते स्थानीय समस्याओं से त्रस्त जनता ने दिया कांग्रेस को जराधार। 25 साल बाद सत्ता का सूखा समाप्त होते ही कांग्रेसियों ने शहर में जमकर मनाया जश्न। गाजे बाजे के साथ निकाला जुलूस। साथ ही पार्षद पद के जीते प्रत्याशियों ने मतगणना समाप्त होने के साथ ही परिणामों की घोषणा शुरू होते ही शुरू किया जश्न। 10 नगर परिषदों में भाजपा का दबदबा, 1 में कांग्रेसी। दूसरे चरण के 9 नगर परिषदों में से 8 में भाजपा को मिली है बहुमत। नशेड़ियों की गैंग ने शराब की बोतल से किया हमला, युवा को उतारा मौत के घाट। मऊवन थाना के चंदे गांव में वारदात, परिजनों ने किया हंगामा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही है पूछताछ। रायपुर कचलियान थाने के लोहद्वार गांव में हुई वारदात का खुलासा, अवैध संबंधों के चलते युवक की गई थी हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। सिविल लाइन पुलिस के पुराने बस स्टैंड में डीडब्ल्यू डुप्लीकेट ऑयल बेचने वाले मोहम्मद इसरार खान, धवल श्रीवास्तव और स्टार पावर बैटरी के संचालक के खिलाफ दर्ज किया कॉपीराइट एक्ट की धाराओं के तहत मामला। युवक के ऊपर धारदार औजार से हमला, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रसिया मोहल्ला स्थित शराब दुकान के सामने। अजय सिंह के साथ धर्मेंद्र सिंह के घर में किराए से रहने वाले गोलू ने किया हमला। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी क्रेन से बैटरी चोरी कर ले गए बदमाश, गुरनाम सिंह क्रेन सर्विस का मामला। सूखे कुएं में गिरने से चंद्रप्रभा प्रजापति की हुई मौत, पड़ोसी के कुएं में गिरने से गई जान। पर्स में रखा सामान और नकदी चुरा ले गए बदमाश, पर्स में एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक एवं बुलेरो गाड़ी के दस्तावेज के साथ नकदी शामिल। पीड़ित सुनील कुमार दुबे की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। सवान थाना क्षेत्र के अरुण नगर की घटना, किशोर ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। रायपुर कचलियान थाना क्षेत्र के रामनई निवासी भरमिश्रा ने उठाया आत्मघाती कदम, कारण अज्ञात। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में मारपीट, गाली गलौज, सुरेंद्र ठटीक के साथ मनीष सोढ़िया ने किया विवाद। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। 11 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़, मनगांव थाना क्षेत्र में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर में हुई घटना। छात्रा की शिकायत पर राजवली सिंह निवासी उल्ही के खिलाफ छेड़छाड़ पास्को एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला। घर के अंदर घुसे बदमाश कर रहे गाली गलौज, मारपीट और विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी। लाहौर थाना क्षेत्र के सराई सेंगर निवासी देवेंद्र कुमार तिवारी के साथ अनिरुद्ध सिंह ने की मारपीट। मऊगंज थाना क्षेत्र के चंदे में हुई हत्या के मामले में दिनेश शुक्ला, अखिलेश शुक्ला निवासी चंदे के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट करने का हत्या का मामला हुआ दर्ज। नीलेश कुमार सिंह उर्फ नीलू को आरोपियों ने पीट पीट कर उतारा था मौत के घाट। घर में घुसे बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराया। जवा थाना क्षेत्र के भलुआ निवासी गुलाब कली केवट के घर में हुई चोरी की वारदात, पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ जुटी। धारदार चाकू लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने भुसराज नगर स्थित कामता सोनी उर्फ लाला को चाकू के साथ पकड़ा। आरोपी के खिलाफ 25B आम एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला। जिले भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।